नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे के दम की। गांधी पर ओवैसी ने बीजेपी को कैसे सुनाई खरी खरी। जानेंगे कि बीएसपी को किसने दिया झटका। राम मंदिर मामले में आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ। और आखिर में बात बुजुर्गों की बचत में सेंधमारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र कांग्रेस में बगावत तेज। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम छोड़ सकते हैं पार्टी। टिकट न मिलने पर जताई नाराजगी। कहा, कांग्रेस को मेरी सेवा की जरूरत नहीं। केंद्र में एनडीए की सहयोगी अकाली दल ने हरियाणा में नहीं मिलाया बीजेपी से हाथ। एनएलडी के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। राज्य में अकाली दल ने बीजेपी से तोड़े थे संबंध। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की आखिरी लिस्ट। 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। अंबाला कैंट से वेणु सिंगला अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा। जीएसटी के बहाने मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, विकास के पीछे राज्य सरकारों का प्रयास। विधानमंडल सत्र में शिवपाल यादव ने की योगी सरकार की तारीफ। कहा, सीएम योगी ईमानदार लेकिन कानून व्यवस्था पर करे काम। और चौथे दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 198 अंकों की गिरावट के साथ 38107 पर बंद। निफ्टी भी 47 अंक गिरा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बेहद अहम दिन रहा, क्योंकि सूबे में दबदबा रखने वाली शिवसेना के 53 साल का इतिहास आज बदल गया। अभी तक किंग मेकर की भूमिका में रहने वाली शिवसेना ने अब खुद किंग बनने के लिए ठाकरे परिवार के वारिस को चुनावी दंगल में उतार दिया है। आज शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने वर्ली विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया और साथ ही जीत का दम भी भरा। वो शख्स जो मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था, वो हस्ती जिसके दरवाजे लोग हाथ बांधे खड़े रहते थे, वो शख्सियत जिसने आज तक महाराष्ट्र की सियासत में चुनाव नहीं लड़ा लेकिन सूबे की राजनीति में उसका दबदबा 5 दशक तक रहा, उसका नाम था बाल ठाकरे, जिन्होंने शिवसेना को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जिसका दबदबा आज भी कायम है। बाल ठाकरे के बाद शिवसेना की कमान उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने संभाली, लेकिन उन्होंने भी कभी सियासी मैदान में ताल नहीं ठोकी। लेकिन 53 साल बाद आज ठाकरे परिवार से एक ऐसा शख्स निकला है जो नया जरूर है लेकिन पुरानी परंपरा के साथ राजनीति को नए आयाम पर पहुंचाने का दावा करता है। हम बात कर रहे हैं बाल ठाकरे के पोते और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की, जिन्होंने आज वर्ली विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोक दी है। वो अपने पूरे परिवार के साथ आज नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे, लेकिन नामांकन से पहले आदित्य ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं का जोश देखने वाला था। महिला पुरुष सभी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर खुशी जाहिर की। जगह जगह फूल बरसाकर आदित्य का स्वागत किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आदित्य को आशीर्वाद दिया। बेटे को मिले इस अपार प्यार के लिए उद्धव ठाकरे ने जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना हमारे परिवार की परंपरा रही है। नई पीढ़ी नई सोच के साथ आई है और मैं जनता के समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं वचन देता हूं कि जनता जब भी बुलाएगी आदित्य हाजिर होंगे। तो अब नई सोच के साथ ठाकरे परिवार मैदान में उतर चुका है, लेकिन क्या आदित्य वही मुकाम हासिल कर पाएंगे जब तक बाल ठाकरे को मिला है, ये चुनावी नतीजों के बाद ही सामने होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना अब नई सोच के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, साथ ही ये भी दावा कर रही है कि जीत तो हमारी ही होगी। जबकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी जीत का दम भर रहे हैं। सूबे में उनकी पार्टी भी ताल ठोक रही है, जिसके मद्देनजर उन्होंने औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के बहाने सत्ताधारी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। मोदी सरकार पर हमेशा तीखे शब्दों के बाण छोड़ने वाले ऑल इंडिया मजलिशे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिंदगी छीनने वाले नाथुराम गोडसे को लेकर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि देश को आज के नाथुराम गोडसे से बचाने की जरूरत है। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए औरंगाबाद में प्रचार करने पहुंचे ओवैसी ने कहा कि गोडसे ने तो महात्मा गांधी की जिंदगी छीनी थी,
मगर मौजूदा गोडसे हिंदुस्तान को खत्म कर रहे हैं। दरअसल बुधवार को गांधी जयंती के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि जो गांधी को मानने वाले हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि इस वतन अजीज को बचा लूं। उन्होंने आगे कहा कि देश के वर्तमान शासक गोडसे को अपना हीरो मानते हैं। वर्तमान बीजेपी सरकार के मुँह पर गांधी है, लेकिन दिमाग में नाथुराम गोडसे है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए भी केंद्र सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा कि ये गांधी के अहिंसा को समझने का समय है। गांधी को किसानों की चिंता थी, लेकिन आज किसानों की किसी को चिंता नहीं है। वर्तमान सरकार इस पर क्या कर रही है? आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया हो। इससे पहले उन्होंने पीएम के अमेरिकी दौरे को लेकर भी बयान दिया था, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा था, क्योंकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पीएम मोदी को फादर ऑफ इंडिया कहा था, जिसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार और ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। और अब चुनाव प्रचार में जुटे ओवैसी ने एक बार फिर तल्ख तेवर दिखाते हुए केंद्र को निशाना बनाया है। अब बीजेपी ओवैसी के बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखना होगा। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही 21 अक्टूबर को यूपी की 11 सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन इस बीच बीएसपी को बड़ा झटका लगा है और यह झटका उसे उसके अपनों ने ही दिया है, क्योंकि बीएसपी के 24 नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसे लेकर अब बीएसपी ने बीजेपी को घेरा है। राजनीति में दल बदल का खेल खेलने में बीजेपी से ज्यादा माहिर कोई नहीं है। जैसे ही चुनाव आते हैं, वैसे ही बीजेपी दूसरे दलों के लिए अपने द्वार खोल देती है। अब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में दल बदल का ये खेल खेलकर बसपा को झटका दिया है। यहाँ 11 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीएसपी की सहारनपुर जिले की पूरी इकाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। दो बार विधायक रह चुके रविंद्र मोलू, वर्तमान जिला अध्यक्ष ऋषि पाल गौतम, जोनल कोऑर्डिनेटर आशीर्वाद आर्य और गंगोह विधानसभा क्षेत्र इकाई के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह समेत कुल 24 बीएसपी नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिस पर बीएसपी बेहद हैरान है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सहारनपुर जिला की गंगोह विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव से पहले पार्टी नेताओं ने उनका साथ क्यों छोड़ा। हालांकि इसके पीछे एक वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि पार्टी ने इस सीट से इरशाद चौधरी को उम्मीदवार बनाया था, जिसे लेकर नेताओं में नाराजगी थी, जबकि पार्टी नेताओं को उम्मीद थी कि बीएसपी सुप्रीमो पूर्व विधायक रविंद्र मोहलू को टिकट देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से इन नेताओं ने बीएसपी का साथ छोड़ दिया। इनका कहना है कि पार्टी को परंपरा के अनुसार किसी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी को ही टिकट दी जाती है, लेकिन मोलू के मामले में ऐसा नहीं हुआ, जो पिछले कई सालों से विधानसभा प्रभारी थे। इरशाद चौधरी 1996 में बीएसपी में शामिल हुए थे और 2005 से 2010 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी में चले गए और दो साल पहले ही बीएसपी में वापसी की है। इनका कहना है कि पार्टी ने उनके साथ गलत किया है, इसीलिए उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि बीएसपी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। उत्तर प्रदेश में जहां उपचुनाव के लिए समीकरण बैठाए जा रहे हैं, तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। इसी के मद्देनजर सूबे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल पर नरमी दिखाकर पार्टी में उनके स्वागत की बात कही थी, लेकिन संयुक्त प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अखिलेश की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। पिछले दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की घर वापसी पर नरम रुख अख्तियार कर कहा था कि अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए सपा के दरवाजे खुले हैं, हमारी पार्टी उन्हें दिल से स्वीकार करेगी। उस वक्त शिवपाल यादव ने ऐसे संकेत दिए थे कि 2022 से पहले वो समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं, मगर अब शिवपाल यादव ने अलग मंशा जाहिर कर अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि सपा से कोई समझौता नहीं होगा। यूपी के बदायूं पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन के रास्ते खुले रहेंगे, लेकिन सपा से कोई समझौता नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव पर निशाना भी साधा और कहा कि सपा को कमजोर करने और तोड़ने के पीछे राम गोपाल यादव का षड्यंत्र था। उन्होंने कहा कि वो पहले भी नेताजी के साथ थे और आज भी साथ हैं। उन्होंने पार्टी के लिए लंबे समय तक काम किया है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनका पार्टी में ये हाल हो जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी खेमे में काफी उथल पुथल देखने को मिली थी, जिसने चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच दरार डाल दी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ये दरार इतनी बढ़ गई कि चाचा शिवपाल अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतर गए, जिसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ा था। इसीलिए अखिलेश की तरफ से मुलायम कुनबे को एक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन चाचा शिवपाल ने ये बयान देकर अखिलेश यादव
सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सियासत के बाद अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जहां 36वें दिन राम मंदिर मामले में अहम सुनवाई हुई। आज रामलला विराजमान के साथ साथ निर्मोही अखाड़े की तरफ से भी दलीलें रखी गईं और उक्त स्थान पर राम मंदिर होने का दावा किया। तो आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। राम मंदिर मामले में मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर अब हिंदू पक्ष की तरफ से जवाब देने का दौर चल रहा है। आज सुनवाई के 36वें दिन भी रामलला विराजमान की तरफ से वकील सीएस वैद्यनाथन ने दलील रखी। उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं के लिए महत्व का स्थान है, ये बौद्धों का पवित्र स्थान कभी नहीं रहा है, इसीलिए ये एक उचित अनुमान है कि ये एक हिंदू मंदिर था। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या ये दावा करने के लिए उन विशेषताओं का हवाला दिया जा सकता है कि ये एक हिंदू मंदिर है जो बौद्ध विहारों में भी मौजूद है। इस पर वकील वैद्यनाथन ने वेदों श्रुति समेत उपनिषदों का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुओं का ये विश्वास आज का नहीं, काफी पुराना है। वैद्यनाथन के इस जवाब पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने एतराज जताया। उन्होंने कहा कि हमने वेदों उपनिषदों को चुनौती नहीं दी है और न ही कुरान पर सवाल है, जो भी लिखित में है वो अदालत के सामने है। इस पर वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि कुरान में ये कहा गया है कि रसूल के विचारों को स्मृति में रखने के लिए उनसे सुनकर उन्हें लिखा गया। इसके साथ ही रामलला विराजमान ने अपनी दलीलें पूरी कर दी, जिसके बाद निर्मोही अखाड़ा की ओर से सुशील जैन ने अपने तर्क रखे, लेकिन इस दौरान सुशील जैन की एक टिप्पणी पर सीजेआई रंजन गोगोई नाराज हो गए। सुशील जैन ने अदालत में कहा कि अयोध्या मामले की सुनवाई अब 2020 की तरह हो गई है। इससे कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आपको हमने 4.5 दिन दिए हैं, अब आपको जवाब देना है, तो अब आप इसे 2020 कह रहे हैं, तो क्या आपकी पिछली बहस टेस्ट मैच थी? तो जैसे जैसे मामले की सुनवाई का अंतिम दिन नजदीक आ रहा है, कोर्ट रूम का माहौल गर्माता जा रहा है। अब कल मामले में क्या होता है ये देखना होगा। दशकों से लंबित राम मंदिर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। खैर, ये तो अगले महीने 17 नवंबर तक सबके सामने होगा, लेकिन मोदी राज में रोजगार की स्थिति कब सुधरेगी इसका कोई जवाब नहीं है, बल्कि अब तो स्वरोजगार की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। इसे लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो बेहद चौंकाने वाली है। मोदी सरकार नौकरी में कमी को एक अच्छा संकेत मानती है, तभी तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि ये अच्छा है, क्योंकि भारत के युवा आज नौकरी करने के बजाय नौकरी देना ज्यादा पसंद करते हैं। उनका इशारा यहाँ खुद के बिजनेस की तरफ था कि आज लोग बिजनेस करें और इस क्षेत्र में और बढ़ें। लेकिन मोदी राज में जहाँ रोजगार की हालत खराब है, तो वहीं स्वरोजगार का हाल भी बेहाल है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 के रोजगार के आंकड़ों की माने तो इस क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसा पहली बार है जब PLFS ने कमाई का आंकड़ा जुटाया हो। सर्वे के मुताबिक भारत में अपना रोजगार करने वाले अधिकांश लोग रोजगार देने की स्थिति में नहीं हैं और उनकी कमाई में भी कमी आई है। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक 70% स्वरोजगार करने वाले खुद मेहनत कर रहे हैं। इसमें 26% बिना वेतन पाने वाले ऐसे लोग हैं जो अपना रोजगार चलाने में घर के सदस्यों की मदद करते हैं, लेकिन उन्हें नियमित वेतन नहीं मिलता। आंकड़ों से पता चलता है कि महज 4% स्वरोजगार करने वाले ऐसे थे जिन्होंने लोगों को नौकरी पर रखा। आंकड़ों के मुताबिक साल 2011-12 और 17-18 के बीच स्वरोजगार के खुद मजदूरी के आंकड़ों में 7.3% और रोजगार देने के मामले में 1% की बढ़ोतरी हुई। बताया जा रहा है कि स्वरोजगार के क्षेत्र में जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने ₹3,000 प्रति महीने, तो शहरी इलाकों की महिलाओं ने ₹4,000 प्रति महीने की कमाई की, जो कि दोनों क्षेत्रों में काफी कम है। इससे पता चलता है कि आज स्वरोजगार भी चौपट हो गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बुजुर्गों की बचत में सेंधमारी की। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। RBI लगातार ब्याज दरों को घटा रहा है, जिससे लोगों को खरीदारी के लिए उकसाया जा सके, लेकिन इससे बुजुर्गों की जमा पूंजी में सेंध लग रही है। तो लोन रेट घटाने का बुजुर्गों के टर्म डिपोजिट खातों पर कैसे पड़ेगा असर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अहम बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में RBI मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को घटाने का फैसला ले सकता है, यानी अर्थव्यवस्था में जान फूंकी जा सके। लोन रेट सस्ता होने से लोग बाजार का रुख करेंगे और इसका नतीजा ये होगा कि बेहाल अर्थव्यवस्था में खड़ा हुआ कैश संकट खत्म होगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगेगी। मगर सस्ते लोन की होड़ बुजुर्गों के लिए भारी पड़ सकती है। स्टेट बैंक के रिसर्च की माने तो लोन सस्ता होने का असर ये हो रहा है कि बैंकों में जमा खातों पर मिलने वाले ब्याज दरों में भी लगातार कमी हो रही है। RBI
पहले ही 1 अक्टूबर से ब्याज दरों को बाजार के हिसाब से तय करने का नया फॉर्मूला लागू कर चुका है, जिसके तहत रिजर्व बैंक जैसे ही बैंकों के लिए अपना लोन रेट घटाएगा, बाकी बैंकों को भी तत्काल ब्याज दर बदलना होगा। ऐसे में स्टेट बैंक के रिसर्च के माने तो यह कटौती बुजुर्गों के 4 करोड़ से ज्यादा टर्म डिपॉजिट खातों पर मिलने वाले ब्याज दरों को और गिरा सकती है। स्टेट बैंक के अनुमान के मुताबिक देश भर के बैंकों में बुजुर्गों के करीब 14 लाख करोड़ रुपए टर्म डिपॉजिट के खाते में जमा है। इनकी ब्याज दर बीते 6 सालों में 8.1% से घटकर 5.5% पर सिमट गई। आपको बता दें कि पिछले महीने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 दिन तक चली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट 0.35% कम करके 5.40% कर दी थी। ये लगातार चौथा मौका था जब RBI ने ब्याज दर घटाई थी। ऐसे में अगर RBI की तरफ से कटौती का ऐलान हुआ तो बुजुर्गों की बचत में दोबारा सेंध लगेगी। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए DB Live। नमस्कार।